दसवीं के छात्र जानना चाहते थे कि आखिर उनका बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा। तो आपको बता दें कि जो छात्राएं राजस्थान बोर्ड रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, उन सभी का इंतजार खत्म हो चुका है। उन सभी के लिए गुड न्यूज सामने आई है। दरअसल राजस्थान बोर्ड ने दसवीं बोर्ड रिजल्ट के नतीजे घोषित कर दिए हैं। RBSE ने आज दसवीं के नतीजे जारी किए हैं। इस वर्ष हाई स्कूल में 93.3% बच्चे पास हुए हैं। परीक्षा में 10 लाख से अधिक बच्चे शामिल हुए थे। परीक्षा देने वाले विद्यार्थी अपने नतीजे राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट RAGDUBoard.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बोर्ड ने दसवीं के साथ प्रवेशिका का भी रिजल्ट जारी करेगा। राजस्थान बोर्ड दसवीं की परीक्षा में निधि जैन के सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। इसके बाद करौली की खुशबू गुजर के नंबर आए हैं। लिस्ट में अगला नाम मानसी का है। वहीं ध्रुव सिंह शिखावत के 96.83% अंक आए हैं। दसवीं की परीक्षा में 93.3% बच्चे पास हुए हैं। इसमें भी छात्राओं ने बाजी मारी है। छात्राओं का रिजल्ट 93.46% और छात्रों का रिजल्ट 92.64% रहा है। राजस्थान बोर्ड दसवीं की परीक्षा के लिए 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। परीक्षा 7 मार्च से 30 मार्च के बीच आयोजित की गई थी। इस साल रिजल्ट परीक्षा होने के 60 दिन बाद जारी हुआ है, जबकि पिछले साल 50 दिन में ही जारी किया गया था। इस साल रिजल्ट जारी होने में देरी लोकसभा चुनाव के चलते हुई है। 2023 में राजस्थान बोर्ड दसवीं बोर्ड का रिजल्ट 1 जून को आया था। राजस्थान बोर्ड दसवीं का रिजल्ट RBSE की वेबसाइट पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको RBSE की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा। फिर रिजल्ट 2024 पर क्लिक करें। इसके बाद आप अपना रोल नंबर डालकर सबमिट करें। इतना करते ही आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी। इसके बाद छात्र छात्राएं अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। बता दें कि बोर्ड द्वारा दसवीं के रिजल्ट का लिंक सुबह होते होते वेबसाइट पर एक्टिव किया जा सकता है, जिसके बाद स्टूडेंट अपनी मार्कशीट चेक कर सकेंगे। वहीं छात्रों को ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट स्कूल से मिलेंगे। ऐसे छात्र जो एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसे छात्र कंपार्टमेंट एग्जाम में भाग लेकर इसी साल दसवीं में पास हो सकते हैं। जिन छात्र छात्राओं को उनकी उम्मीद के कम नंबर मिले हैं, तो वो अपनी कॉपी फिर से चेक करा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन राजस्थान बोर्ड वेबसाइट पर करना होगा। राजस्थान बोर्ड द्वारा उन्हीं छात्र छात्राओं को उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा जिन्हें सभी विषयों में कम से कम 33% अंक प्राप्त हुए हैं। तो आपको बता दें कि जो छात्राएं राजस्थान बोर्ड रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, उन सभी का इंतजार खत्म हो चुका है। उन सभी के लिए गुड न्यूज सामने आई है। दरअसल राजस्थान बोर्ड ने दसवीं बोर्ड रिजल्ट के नतीजे घोषित कर दिए हैं। RBSE ने आज दसवीं के नतीजे जारी किए हैं। इस वर्ष हाई स्कूल में 93.3% बच्चे पास हुए हैं। परीक्षा में 10 लाख से अधिक बच्चे शामिल हुए थे। परीक्षा देने वाले विद्यार्थी अपने नतीजे राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट RAGDUBoard.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बोर्ड ने दसवीं के साथ प्रवेशिका का भी रिजल्ट जारी करेगा। राजस्थान बोर्ड दसवीं की परीक्षा में निधि जैन के सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। इसके बाद करौली की खुशबू गुजर के नंबर आए हैं। लिस्ट में अगला नाम मानसी का है। वहीं ध्रुव सिंह शिखावत के 96.83% अंक आए हैं। दसवीं की परीक्षा में 93.3% बच्चे पास हुए हैं। इसमें भी छात्राओं ने बाजी मारी है। छात्राओं का रिजल्ट 93.46% और छात्रों का रिजल्ट 92.64% रहा है। राजस्थान बोर्ड दसवीं की परीक्षा के लिए 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। परीक्षा 7 मार्च से 30 मार्च के बीच आयोजित की गई थी। इस साल रिजल्ट परीक्षा होने के 60 दिन बाद जारी हुआ है, जबकि पिछले साल 50 दिन में ही जारी किया गया था। इस साल रिजल्ट जारी होने में देरी लोकसभा चुनाव के चलते हुई है। 2023 में राजस्थान बोर्ड दसवीं बोर्ड का रिजल्ट 1 जून को आया था। राजस्थान बोर्ड दसवीं का रिजल्ट RBSE की वेबसाइट पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको RBSE की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा। फिर रिजल्ट 2024 पर क्लिक करें। इसके बाद आप अपना रोल नंबर डालकर सबमिट करें। इतना करते ही आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी। इसके बाद छात्र छात्राएं अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे।
बता दें कि बोर्ड द्वारा 10वीं के रिजल्ट का लिंक सुबह होते होते वेबसाइट पर एक्टिव किया जा सकता है, जिसके बाद स्टूडेंट अपनी मार्कशीट चेक कर सकेंगे। वहीं छात्रों को ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट स्कूल से मिलेंगे। ऐसे छात्र जो एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसे छात्र कंपार्टमेंट एग्जाम में भाग लेकर इसी साल 10वीं में पास हो सकते हैं। जिन छात्र छात्राओं को उनकी उम्मीद के कम नंबर मिले हैं, तो वो अपनी कॉपी फिर से चेक करा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट पर करना होगा। राजस्थान बोर्ड द्वारा उन्हीं छात्र छात्राओं को उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा जिन्हें सभी विषयों में कम से कम 33% अंक प्राप्त हुए हैं।